दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज के लिए आपका स्वागत करता हूं और प्रेस क्लब काउंटडाउन में आपका एक बार पुनः स्वागत है। एक बार फिर आपको याद दिला दें, 8 मार्च को आप सभी को आना है और अपनी जिम्मेदारी निभाकर प्रेस क्लब को नई कार्यकारिणी देना है। दोस्तों अब हम इतिहास में चलते हैं। इंदौर प्रेस क्लब के चुनाव में अब तक 15 अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। राहुल बारपुते से ये श्रृंखला शुरू हुई थी तो वर्तमान अध्यक्ष अरविंद तिवारी तक चल रही है। काफ़ी मूर्धन्य नाम है जिनको आप सब जानते हैं, जय कृष्ण गौड़ साहब है, अष्टाना साहब है, विकास मिश्र है, गोकुल शर्मा हैं और एक लंबी फहरिस्त है जिनको आप सभी जानते हैं जिन्होंने इंदौर पत्रकारिता में अपना नाम रोशन करा है। दोस्तों कल महाशिवरात्रि थी और इंदौर प्रेस क्लब में माहौल बन चुका है। अभी किसी भी पैनल का घोषणा पत्र और उम्मीदवारी सूची नहीं आई है लेकिन लगभग सभी जगह तैयारी हो चुकी है और अब आने वाले दिनों में यह सरगर्मी बढ़ती जाएगी। दोस्तों जहाँ तक मुद्दों की बात है, पिछले कार्यकारिणी के चुनाव के समय अलग मुद्दे थे लेकिन इस समय एक नया मुद्दा जो उभर कर आया है वर्तमान कार्यकारिणी के संभावित उम्मीदवार, उस पर चर्चा करते हैं कि उन्होंने विभिन्न मदों से पत्रकार कल्याण कोच के माध्यम से अपने साथियों की 100 से अधिक साथियों को लगभग 8 लाख से अधिक मदद पहुँचाई जो कि पत्रकार हित में एक बड़ा कदम है। तो मित्रों जब विपक्षी इस ओर अपना मुद्दा उठाएंगे, अपना घोषणा पत्र लाएंगे तो उनको अपनी लकीर बड़ा करना पड़ेगी ताकि वो अपने पत्रकार साथी मतदाताओं को लुभा सके, उनके लिए और हित में काम कर सके। फिलहाल आप सभी को इतनी ही जानकारी साथ में आगे ले चलता हूं कि इंदौर प्रेस क्लब के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में सभी ओर चर्चा का दौर है और पूरे इंदौर शहर की नज़र इस ओर रहती है क्योंकि जब पत्रकार सभी दिशा में जाते हैं तो उनके चुनाव पर सभी इंदौर वासियों की नज़र रहती है। तो इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में मित्रों आप सभी को सौहार्दपूर्ण वातावरण करके चुनाव को संपन्न कराना है। अभी फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।